मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के भेलवा चौक स्थित दिनदहाड़े एक चौकीदार को गोली मारकर अज्ञात अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है। अपराधियों के द्वारा गोली मारने पर चौकीदार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार भेलवा चौक स्थित काली स्थान में लगे मेले के बाद मां काली की प्रतिमा का विसर्जन होने के लिए निकाला गया, जिसके बाद चौकीदार गुरुदेव पासवान एवं चौकीदार अरविंद पासवान दोनों अपनी ड्यूटी पर मधेपुरा को निकल रहे थे। इसी क्रम में काली स्थान से करीब 50 मीटर आगे निकलने के बाद अपराधियों के द्वारा घेर कर हाथापाई की गई, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए अरविंद चौकीदार ने भागने का प्रयास किया, जिसमें अरविंद पासवान भागने में सफल रहे, लेकिन गुरुदेव पासवान को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे चौकीदार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही मधेपुरा सदर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार अपने दलबल के साथ कमांडो दस्ता की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। इसके बाद मधेपुरा सदर एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, जिसके बाद लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यही कहना है कि लगता है कानून का राज खत्म हो गया है, अपराधियों पर पुलिस का कोई मने दबाव नहीं, दहशत नहीं है, पुलिस को डर नहीं मानती है। दिन दहाड़े हत्या करना, उसमें भी ग्रामीण दरोगा चौकीदार, उसको ने हम लोग बोलते हैं ग्रामीण दरोगा की हत्या से ये पुलिस प्रशासन शर्मसार हो गई है। और मैंने कई बार इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को भी दिया था, जो बारे हम भेलबाग पंचायत के इर्द गिर्द अपराधियों का तांडव नृत्य हो रहा है, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। इसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए यह घटना घटी है। चौकीदार गुरुदेव पासवान भेलबाग का ही है, वो अपने कर्तव्य पे थे, ड्यूटी पे थे, उसी दौरान उनको एक लड़का है उसी गांव का अमित राम, जो कि छीन छोर के केसेस में पुलिस में वांटेड भी है, उस पर नज़र पड़ गई, तो ये चाहा कि उसको हम ओवर पावर कर लें, अकेले उसको पकड़ लें। इसी प्रयास में दोनों के बीच में उठा पटक हुआ और उसके पास में हथियार था, जो अमित राम है उस लड़के के पास में, वो हथियार निकाल करके गोली चला दिया, जो इसको लग गई, बेचारा स्पॉट में ही शहीद हो गया। हम लोग पूरा पुलिस परिवार इस घटना से मर्माहत है, और सबसे पहले तो हम जो इस घटना किया है उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने एक टीम बनाई है, साथ ही इनके परिजन के जो भी पुलिस के जिला पुलिस के द्वारा हम लोग उसके लिए कर सकते हैं, वो करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।